अगर मैं तबकाती तासुब का शिकार होता तो पहाड़ी को सपोर्ट करता, महबूबा मुफ्ती पहाड़ी तो नहीं है। बावजूद इसके कि पहाड़ी लोग एहसान का बदला एहसान के वादे के पाबंद थे, बल्कि आज भी हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में ना उतार कर उन्हें सख्त मुश्किल में डाल दिया। ये भाजपा की संगीन गलती थी जिसका एतराफ अमित शाह साहब ने भी किया। दरअसल ये हालात एक मनसूबा के तहत पैदा किए गए थे जिसमें बदकिस्मती से उनके अपने कुछ लोग भी शामिल थे। अपनी पार्टी इस मौका का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी थी, लिहाजा उन लोगों के साथ साजबाज करके पहाड़ी कम्युनिटी के लीडरों और कारकुनान पर जाल फेंकना शुरू कर दिया। कुछ पहाड़ी लीडर अपने वोट बैंक को असेंबली इलेक्शन के लिए महफूज करने की गर्ज से और कुछ लोग नौ नाक तेरह आधार के चक्कर में अपनी पार्टी के दाम में आ गए। इनमें से कुछ एक ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हाथ मिला लिया। इस मनसूबा में कुछ पहाड़ी अफसरों को भी शामिल कर लिया गया और ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि एसटी स्टेटस को खतरा है। सच तो यह है कि आज तक किसी मोहतबर भाजपा लीडर ने ना तो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे और न ही उनकी मुहिम में शामिल हुए। कल राजौरी में अल्ताफ बुखारी साहब का जलसा इस बात का वाजह सबूत है जिसमें बीजेपी का कोई बड़ा लीडर या अहदेदार तो दरकिनार, उनका हल्का प्रेसिडेंट भी शामिल नहीं हुआ। अगर उनका बीजेपी से इत्तेहाद होता तो अमित शाह साहब को यह ना कहना पड़ता कि वो असेंबली की सभी 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि बीजेपी नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े हुए कुछ लोग ये खेल खेल रहे हैं। ये लोग एक गनामी साजिश के तहत पहाड़ियों को तकसीम करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को जताना चाहते हैं। पहाड़ियों को चाहिए कि वो अपनी पार्टी के फ्रेब और झूठे बयानियों में न फंसे। एसटी स्टेटस को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन अगर पहाड़ी बट गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जता दिया